गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर पर हैप्पी हो, हेल्दी हो, सेफ हो और सुरक्षित हो। बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारा PT1 फॉर्मेट जो था वो अभी कंप्लीट हुआ है। हमारे PT1 एग्जाम्स जो हैं वो भी कंप्लीट हुए हैं, और जब PT1 एग्जाम्स कंप्लीट हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि अब हमें आगे के कोर्स की तरफ, फर्दर कोर्स की तरफ प्रोसीड करना है। तो बच्चों आज हम आपका जो है PT2 के लिए जो सिलेबस अब हम स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ चैप्टर हमने प्रीवियस क्लासेस में शुरू किए थे और अब हम आज की क्लासेस में कुछ नए चैप्टर्स को शुरू करने जा रहे हैं। अब बच्चों जैसा कि आप मुझसे पूछोगे कि मैम आपने चैप्टर नंबर 6 हमें एक्सप्लेन किया था तो चैप्टर नंबर 7 आप हमें पढ़ा क्यों नहीं रहे हो? बच्चों चैप्टर नंबर 7 जो है वो आपके सिलेबस में से स्प्लिट आउट कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। निकाल दिया गया है का मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ाया ही नहीं जाएगा, वो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा लेकिन अभी नहीं, थोड़ा समय के बाद। उस चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे लेकिन उसकी जो नॉलेज है वो चैप्टर आपको थोरोली पढ़ाया जाएगा। पर उस चैप्टर को पढ़ाने से पहले आइए हम आज की क्लास को चेक करते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 8। इस पार्ट 8 का नाम है स्वास्थ्य ही जीवन है। बच्चों स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य यानी होता है हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब होता है आपकी फिजिकल हेल्थ। हेल्थ में आप लेते हो कि आपका जो शरीर है वो किन चीज़ों को ग्रास्प करता है, कौन सी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हैं और कौन सी चीज़ें नेगेटिव हैं। जैसा कि बच्चों अभी आपको पता है कि ये जो हेल्थ वाला जो ये सीन है, हेल्थ वाले सीन के अंतर्गत ही अगर मैं बात करूं तो COVID-19 की वजह से हमें भी अपनी हेल्थ का कितना ध्यान रखना पड़ रहा है, बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है, बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है। से मतलब हम किसी से टच भी होने से पहले बहुत सोचते हैं कि अरे अगर हम इस व्यक्ति से टच हो गए या अगर कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति हमसे टच हो जाता है तो हमें 10 बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना पड़ता है। हम बीच में तो जब लॉकडाउन लग गया था तब उस टाइम पर अपने घरों में हम कैद हो गए थे कि नहीं नहीं हमें बाहर नहीं जाना, अगर हम बाहर जाएंगे और हमारे साथ ही वायरस आ गया तो हम क्या करेंगे। इन दिनों हमारा घूमना फिरना भी बंद है, पर घूमना फिरना अगर बंद है तो उसकी जगह पर हमने एक नया ऑप्शन ढूंढ लिया है। क्या? आजकल हम हमारे पेरेंट्स के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। जाते हो आप सब लोग? जी हाँ, आप लोगों में से कुछ बच्चे जाते होंगे और कुछ अभी भी देर तक सो रहे होंगे। पर प्यारे बच्चों जल्दी उठने की आदत डालो क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट का आदेश आ सकता है और आपके स्कूल खुल सकते हैं। पर चलिए ये तो थी एक बात, आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है स्वास्थ्य ही जीवन है। ये एक ज्ञानवर्धक लेख है जिसको राम किशोर द्विवेदी जी ने लिखा है। ये ज्ञानवर्धक लेख जो है, इस ज्ञानवर्धक लेख में आपको पता चलेगा कि शरीर, हमारा स्वास्थ्य किन किन चीजों पर डिपेंड करता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। एज वेल एज हमें ये भी बताया जाएगा कि स्वस्थ शरीर किस प्रकार से स्वस्थ व्यक्ति के लिए सहायक होता है। इस चैप्टर में हम बेटा जो टॉपिक चर्चा करेंगे वो ये है, एक तो हम इसमें जो है कठिन शब्दों के अर्थ लाइन बाय लाइन डिस्कस करते चलेंगे, दूसरा स्वास्थ्य शब्द का अभिप्राय पढ़ेंगे, स्वच्छता अभियान के बारे में जानेंगे, शारीरिक स्वच्छता और वैचारिक शुद्धता के बारे में जानेंगे, स्वस्थ रहने से होने वाले फायदों के बारे में जानेंगे, स्वस्थ रहने के लिए ध्यान रखने योग्य बिंदु, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। पर इन सब को पढ़ाने से पहले आओ मैं आपको महात्मा गांधी का एक बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट है जिसका नाम है स्वच्छ परिवेश, स्वस्थ शरीर एवं प्रगतिशील विचार राष्ट्र निर्माण में सहायक है। स्वस्थ परिवेश, स्वस्थ परिवेश का मतलब आपके आसपास का हेल्दी एनवायरनमेंट। आपके आसपास अगर अच्छी अच्छी बातें होती हैं तो आपको अच्छी अच्छी नॉलेज आती है, आपके माइंड में हेल्दी हेल्दी पॉजिटिव पॉजिटिव विचार जो है वो उत्पन्न होते हैं। अगर आपके माइंड में, अगर आपके आसपास में नेगेटिविटी है, आपके आसपास में गंदी गंदी बुरी बुरी बातें होती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, तो आपके माइंड उसी हिसाब से डेवलप होते हैं। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ शरीर यानी प्रॉपरली कट नेल्स, ब्रश्ड टीथ,
रोज नहाना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, ये सारी की सारी चीजें जब हम हमारे शरीर को प्रोवाइड कराते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ शरीर हो जाता है। प्रगतिशील विचार यानी दूसरों को कभी भी बुरी नजर से ना देखना, लालच ना करना, अच्छी अच्छी बातें सोचना, पढ़ाई करना, ये सारी की सारी जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो पॉजिटिव बातें हैं, ये सब चीजें यानी स्वच्छ परिवेश, आपके आसपास का पॉजिटिव एनवायरनमेंट, आपका स्वस्थ शरीर यानी आपकी एक हेल्दी बॉडी और आपका प्रगतिशील विचार यानी आपके पॉजिटिव विचार जो है वो हमारे राष्ट्र निर्माण में, हमारे देश के निर्माण में सहायक होते हैं। बच्चों, राष्ट्र निर्माण में सहायक इन सब चीजों के बारे में हमें महात्मा गांधी ने बताया है। आज के इस ज्ञानवर्धक लेख में हम जो मेन शब्द जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है स्वास्थ्य। बच्चों, स्वास्थ्य शब्द का क्या मतलब होता है? स्वास्थ्य शब्द का मतलब होता है आपकी हेल्थ। हेल्थ यानी कि निरोग होने की अवस्था। जब आपका शरीर निरोग होता है, जब आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है, जब आपको खांसी जुकाम भी नहीं होता है, जब आप बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, आपकी बॉडी फिट होती है, आपका वेट प्रॉपर होता है, कहने का मतलब स्वस्थ शरीर जो कि निरोग शरीर होता है वो निरोग होने की अवस्था क्या कहलाती है? स्वास्थ्य। यानी स्वास्थ्य शब्द से अभिप्राय है शरीर के निरोग होने की अवस्था, ऐसा शरीर जिसमें कोई भी बीमारी ना हो, जिसका वजन पूरा हो, जिसकी हाइट सही हो, इन सब चीजों को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं स्वास्थ्य। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, अब इन सारी की सारी एक्टिविटीज को आप कब फॉलो कर सकते हो? जब आप इन सब निरोग अवस्था वाले माहौल में रहोगे। यानी अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तो आप स्कूल में होने वाली चाहे वो कैसी भी, चाहे वो खेलकूद की एक्टिविटी हो, चाहे वो डांस वाली एक्टिविटी हो, चाहे वो ताइक्वांडो की एक्टिविटी हो, चाहे वो एनुअल फंक्शन पार्टिसिपेशन की एक्टिविटी हो, कोई सी भी एक्टिविटी हो, तो आप उस एक्टिविटी में पार्ट ले सकते हो और पार्ट लेकर के अपने परिवार का और हमारे विद्यालय का नाम रोशन कर सकते हो। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम कोई भी स्टोरी अगर पढ़ते हैं तो उस स्टोरी को पढ़ने से पहले हमें उसकी भूमिका बनानी पड़ती है। तो आज हम इस ज्ञानवर्धक लेख को पढ़ तो रहे हैं, पर इस लेख को पढ़ने के साथ साथ में कुछ छोटी 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 सी स्टोरीज के साथ इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर निरोग होने की अवस्था, जो ये स्वास्थ्य शब्द है, जो ये निरोग होने की अवस्था का जो शब्द है, इसको ये आपको कैसे इंटरलिंक करके बता रहे हैं, देखिए। जैसे अहमद नाम का एक बच्चा था जो आप लोगों की तरह स्कूल जाता था, पर उस बच्चे को क्या शौक था? वो बच्चा बाजार की चटपटी चीजें खाता था, खुली चीजें खाने का उसको शौक था, वो चीजें जिन पर मक्खियां बैठा करती थी, जिन पर लोग गंदे गंदे हाथ लगा दिया करते थे, उसके पेरेंट्स उसको मना किया करते थे कि इन सब चीजों को मत खाया करो, पर अहमद नहीं मानता था। वो आप जैसा प्यारा सा बच्चा तो था, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता था। तो उसको उसकी उस बात को ना मानने का क्या परिणाम मिला? उसको उसकी बात को ना मानने का ये परिणाम मिला मेरे प्यारे बच्चों कि उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। और जब उसका स्वास्थ्य खराब हो गया तो उसके शरीर में रोग लग गए, वो बीमार हो गया, और इसी बीमारी के कारण वो अपने स्कूल के होने वाले एनुअल फंक्शन में पार्ट नहीं ले पाया। अब जब वो एनुअल फंक्शन में पार्ट नहीं ले पाया तो वो बहुत दुखी हुआ। क्यों दुखी हुआ? क्योंकि वो अपने स्कूल की तरफ से कबड्डी की टीम में खेलता, और अगर कबड्डी की टीम जीत जाती तो भी उसे यश मिलता, तो भी उसे पॉजिटिविटी मिलती, तो भी उसकी सब वाहवाही करते, लेकिन अब उसके पास कबड्डी मैच को देखने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। तो बच्चों, इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताया गया है कि निरोग होना शरीर के लिए कितना आवश्यक है, स्वस्थ होना शरीर के लिए कितना आवश्यक है। बच्चों, किसी ने सही कहा है, तंदुरुस्ती हजार नियामत, यानी तंदुरुस्त रहोगे तो सब चीजें ठीक रहेंगी। तंदुरुस्त रहने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, और उन सारी की सारी चीजों में से जो एक चीज है वो है साफ सफाई, स्वच्छता।
कहा जाता है स्वच्छ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क और स्वच्छ मन निवास करता है। पर स्वस्थ शरीर कब रहेगा? जब आसपास का एनवायरनमेंट स्वच्छ रहेगा। जब स्वस्थ एनवायरनमेंट रहेगा तो व्यक्ति का शरीर भी स्वस्थ रहेगा। एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप लोगों के घर घर कचरा लेने के लिए गाड़ियां आती हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता मेरा अभिमान, स्वच्छता मेरा गांव, भारत मेरा देश का अभिमान, इस तरीके के बहुत सारे कैंपेन चला रखे हैं साफ सफाई के लिए। घर घर में शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। जहां कहीं पे भी कचरे के ढेर होते हैं उनको अलग अलग रंगों के पैकेट्स में डालकर डंप करने की सलाह दी जाती है। क्यों? जिससे कि कचरे को सेग्रीगेट करने में भी लोग बीमार ना हो, और साथ ही साथ में स्वच्छता अभियान के माध्यम से हमारा जो देश है वो दुनिया में अपना एक नया परचम लहरा सके। स्वच्छ रहने से व्यक्ति की आधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। साफ सुथरे शरीर में साफ मन साफ मस्तिष्क निवास करता है। बच्चों, शरीर की शुद्धता के साथ साथ शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ वैचारिक शुद्धता का होना भी आवश्यक है। शारीरिक शुद्धता, मान लो कोई व्यक्ति है वो बहुत साफ सुथरा अच्छा रहता है, चकचाक बिल्कुल एकदम बढ़िया, रोज नहाता है, उसके नेल्स भी प्रॉपर कट है, साफ सुथरे कपड़े पहनता है, लेकिन उसके विचारों में अगर शुद्धता नहीं है, अगर उसके विचारों में शुद्धता नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? वो दूसरों के बारे में बुरा सोचेगा। कैसे सोचेगा? कि अरे जो फला फला व्यक्ति है ना, इसने मेरे साथ में ऐसे किया था, भगवान इसके साथ भी ऐसे हो जाए। उसका शरीर तो स्वच्छ है, उसकी शारीरिक स्वच्छता तो है, लेकिन उसके विचारों में शुद्धता नहीं है। दूसरा उदाहरण देखो, एक संत महात्मा है, एक बढ़िया से संत महात्मा है। अब बढ़िया से संत महात्मा है जो साफ सुथरे हैं, वो ये कहते हैं भाई मैं तो खाना भी साफ सुथरा खाता हूँ, सात्विक भोजन करता हूँ, मतलब वो बहुत सारे तरीके के आडंबर करते हैं और अपने आप में शारीरिक स्वच्छता के बारे में बताते हैं कि देखो मेरे तो पैरों में भी मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए। और उनकी वैचारिक शुद्धता क्या है वो देखो, अरे ये जो कन्या, ये जो स्त्री खड़ी है, ये देखो कितनी सुंदर है, काश ये मेरी दासी बन जाए। या फिर ये जो भक्त आ रहा है, इस भक्त के पास तो खूब सारा मोटा मोटा पैसा होना चाहिए और शायद ये मुझे बहुत सारा दान दक्षिणा में देगा। यहां पर उसकी शारीरिक स्वच्छता तो है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन उसके क्या अंदर वैचारिक शुद्धता है? नहीं, उसके अंदर वैचारिक शुद्धता नहीं है। ठीक इसी तरीके से बच्चों, हमारे भीतर शारीरिक स्वच्छता होनी चाहिए, उसके साथ साथ हमारे भीतर वैचारिक शुद्धता भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर वैचारिक शुद्धता होगी ना मेरे प्यारे बच्चों, तो व्यक्ति के भीतर उसका जो विकास है वो और ज्यादा तेजी से होगा। क्यों? क्योंकि कहा जाता है ना, स्वच्छ परिवेश, स्वस्थ शरीर और प्रगतिशील विचार राष्ट्र निर्माण में सहायक होते हैं। बच्चों, स्वच्छ रहने से हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहने पर जो हमें फायदे होंगे वो कौन कौन से होंगे? जो स्वस्थ रहने पर हमें फायदे होंगे वो होंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ रहेगा, हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ रहने के पर हम प्रसन्न चित्त रहेंगे, प्रसन्न चित्त रहेंगे तो हमारा माइंड एक्टिव रहेगा, हमारा माइंड एक्टिव रहेगा तो हम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, हम अपनी पढ़ाई अगर अच्छे से कर पाएंगे तो हम पढ़ने के साथ साथ अपनी और चीज़ों को टाइम दे पाएंगे। अगर हम ड्राइंग में अच्छे हैं तो हम ड्राइंग कर पाएंगे, अगर हम खेलकूद में अच्छे हैं तो हम खेलकूद कर पाएंगे, अगर हम डांसिंग में अच्छे हैं तो हम डांसिंग कर पाएंगे, अगर हम पेंटिंग अच्छी कर लेते हैं तो हम पेंटिंग कर पाएंगे। यानी कि हम किसी ना किसी तरीके से अपनी एक्टिविटीज़, अपनी हॉबीज़ को भी ग्रोन अप कर पाएंगे। और जब हम ये सारी की सारी चीज़ें अपनी पढ़ाई के साथ साथ कंटिन्यू करेंगे तो भविष्य में हम एक अच्छे नागरिक के रूप में अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। साथ ही साथ में फिर वही महात्मा गांधी वाली बात कि स्वस्थ शरीर और प्रगतिशील विचार। अगर आपका शरीर स्वस्थ है और आपके प्रगतिशील विचार हैं तो आपको दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। स्वस्थ रहने से बेटा बहुत सारे फायदे होते हैं। आप अपने पेरेंट्स को टाइम दे पाते हो, आपके पेरेंट्स आपको टाइम दे पाते हैं, आपके पेरेंट्स आपसे परेशान नहीं होते, आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता, आपको बार बार आपका होमवर्क पेंडिंग नहीं होता, आप
ये जो पॉजिटिव चीजें हैं जो स्वस्थ रहने पर व्यक्ति को मिलती हैं, ये कुछ फायदे मैंने आपको बताए। जब हम स्वस्थ रहेंगे, जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और उससे होने वाले फायदे हमें मिलेंगे, तो हो सकता है कि हम देश के एक अच्छे नागरिक के रूप में अपनी पहचान बना सके। बच्चों, कहा जाता है कि स्वस्थ रहने के लिए कोई हमें गाइड तो करे, तो आओ बच्चों मैं आपको गाइड करती हूं कि स्वस्थ रहने के लिए आप कौन कौन सी चीजों का ध्यान रख सकते हो। और यही सारी की सारी चीजें जो मैं यहां पर आपको बता रही हूं, यही सारी की सारी चीजें जो है वो आपके बुक में भी आपको मिल जाएंगी। स्वस्थ रहने के लिए बच्चों सबसे पहली बात है नियमित दिनचर्या। नियमित दिनचर्या का मतलब आपका एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए। अभी इन दिनों में आप क्या कर रहे हो? इन दिनों में स्कूल नहीं जाना। अब जब स्कूल नहीं जाना तो हम कब कब सो कर उठ रहे हैं? हम लोग कभी रात को 12 बजे सो रहे हैं, कभी हम रात को 1 बजे सो रहे हैं, कभी हम रात को सोते ही नहीं है, सुबह 4 बजे सो रहे हैं और फिर दूसरे दिन सुबह 11 बजे 12 बजे उठ रहे हैं। मम्मी भी हमें नहीं उठा रही है, क्यों? क्योंकि भाई बेटे ने पूरी रात जगा है, सोया ही नहीं बेचारा। बच्चों, आप अपनी नियमित दिनचर्या अगर फॉलो करोगे, अगर आपने अपनी नियमित दिनचर्या का पालन कर लिया, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका मन स्वस्थ रहेगा, आप पूरा दिन भर हेल्दी और हैप्पी फील करोगे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखो। आपके विचार शुद्ध होते हैं। आप सुबह उठो, घूमने जाओ, पेरेंट्स के साथ खेलो, और तो और इसके साथ में आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। अपनी ऑनलाइन क्लासेस को पढ़ो, उसके बाद में जो थोड़ा सा समय बचता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहो। अगर वो भी नहीं कर सकते हो या आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहते हैं, तो आप इसके अलावा जो है आप अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक टीवी चैनल्स को देखो, टीवी देखो। सब चीजों का एक नियमित टाइम टेबल बनाओ कि हाँ हमें ये काम करना है और इस टाइम पर करना है। जरूरी नहीं है 10 से 12 पढ़ने का टाइम है तो पढ़ना ही है, नहीं। जो भी टाइम आप डिसाइड करो जिस चीज के लिए, उसमें पूरी शिद्दत और उसमें पूरी की पूरी मेहनत के साथ में ये काम करो। उसके बाद आती है बात कि स्वस्थ रहने के लिए घर की साफ सफाई भी बहुत आवश्यक है। अब क्या घर की साफ सफाई करना सिर्फ मम्मी की जिम्मेदारी है? नहीं, घर की साफ सफाई करना आपकी, मेरी, हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब हम साफ सफाई रखेंगे, हम अगर साफ सुथरा रखेंगे अपने आसपास का माहौल, तो कोई बीमारी हमारे ऊपर नहीं आएगी। हमेशा कमरों में जाले मत लगने दो। हमेशा प्रॉपरली अपने सोने उठने बैठने की जो जगह है उसको झाड़कर साफ कर अच्छे से यूज करो। अच्छे अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनो। अपने शरीर की, अपने घर की साफ सफाई रखो। दिन में कम से कम 2 बार नहीं तो 1 बार रगड़ रगड़ कर नहाओ। अपने शरीर को सूखे तौलिए से पोंछो। कपड़े पहनो, कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। अगर आप अपने घर की साफ सफाई करोगे, अपने शरीर की साफ सफाई करोगे, तो आपको किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं होगी। आप अपने घर की जब साफ सफाई करोगे तो आपके घर का जो एनवायरनमेंट है उसमें पॉजिटिविटी आएगी। घर में से जाली, मकड़े, ये सब चीजें आप हटाएंगे तो वहां पर वो सब चीजें हटाने पर जो दूषित हवा की वजह से आपके घर के अंदर एक दूषित हवा का साइकिल क्रिएट हो गया है, साफ सफाई होने पर दोबारा से पॉजिटिविटी आएगी। दूषित हवा का जो एक साइकिल है वो टूटेगा और घर में स्वच्छ हवा का वास होगा। साथ ही साथ में बच्चों, हमें शुद्ध भोजन और शुद्ध पानी को पीना चाहिए। शुद्ध भोजन का मतलब हमें जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब चीजें अवॉइड करनी है। अवॉइड करने का मतलब, अब देखो, अवॉइड करने का मतलब ये नहीं आप खाओ ही मत। आपकी मम्मा एक बहुत अच्छी कुक है, आपकी मम्मा आपका बहुत ध्यान रखती है, और लॉकडाउन में तो आपकी मम्मी ने आपका कितना ध्यान रखा है, खूब सारा अच्छा अच्छा आपको बनाकर दिया है जिसको आपने बहुत आनंद और स्वाद के साथ खाया है। तो क्या आप मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना, जो आपको बाहर की डिश खानी है, क्या वो आप अपनी मम्मी को बता करके नहीं खा सकते हो? खा सकते हो ना। तो आपको क्या करना चाहिए, शुद्ध भोजन जो कि आपके घर में बना हुआ है, जिसे आपकी मम्मी आपके लिए बहुत प्यार से और बहुत संतुलित सामानों के साथ बनाती है, आपको वो खाना चाहिए, और शुद्ध पानी का सेवन करना चाहिए। यानी कि अगर आपके घर में साफ पानी आता है,
साफ पानी से मतलब साफ पानी भी दो तरीके का, या तो आपके घर में आरओ प्लांट लगा हुआ है तो उसका साफ पानी हो, और अगर साफ पानी नहीं है या आप किसी तालाब या हैंडपंप से पानी भरकर लाते हो या वाटर टैप से पानी भरते हो, तो ये कोशिश करें कि जब ये संक्रमण वाला मौसम चल रहा हो तो पानी को उबाल कर उसका सेवन करें। अगर आप ऐसी सारी चीजों का ध्यान रखोगे तो आपसे दूर दूर तक बीमारियों का कोई पाला नहीं पड़ेगा। उचित व्यायाम एवं योगाभ्यास, आप अगर अपने शरीर को प्रॉपरली मेहनत कराते रहोगे, अभी हम लॉकडाउन में क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, थोड़ी देर बाद में सो जाते हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं, फिर टीवी देखते हैं, फिर थोड़ा सा भी अपने आप को हमने फिजिकली मेहनत देनी बंद कर दी। बीच में हम गेम्स खेलने लग गए थे, पर वो गेम्स भी कौन से होते थे, पबजी खेल लिया, लूडो खेल लिया, हो गया काम। हमें ये सारे गेम्स नहीं, हमें योगाभ्यास और व्यायाम, यानी कि अपने आप को जितनी हम मेहनत करवा सकते हैं ना प्यारे बच्चों, हमें अपने आप को उतनी मेहनत करवानी चाहिए। हम जितनी मेहनत करेंगे हमारे शरीर से उतना ही पसीना निकलेगा, उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी, और हम उतना ही अच्छी तरीके से खाएंगे तो हमारे शरीर की पाचन क्रिया ठीक होगी। यानी कहा जाता है ना बच्चों, मकान कब बनता है, जब एक से एक ईंट जुड़ती है। ठीक इसी तरीके से स्वस्थ शरीर कब बनता है, जब वहां पर सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रॉपरली तरीके से चल रही होती हैं। तो हमें उचित व्यायाम और योगाभ्यास भी करना चाहिए। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी कार्य, स्वस्थ रहने के लिए हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर मैं खुश रहूंगी तो मैं आपको खुश होकर पढ़ाऊंगी, अगर आप खुश रहोगे तो आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेव करोगे, अगर आप हैप्पी रहोगे, आपका माइंड हैप्पी रहेगा तो आपके माइंड में पॉजिटिविटी आएगी। यानी ये सारी चीजें बच्चों जो मैंने आपको अभी पढ़ाई, जो अभी बताई, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। ये आपको सबको ध्यान रखने की चीजें हैं जो आप ध्यान रखो। एक बार हम दोबारा से रिवाइज करते हैं, हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा है, ये सो स्वास्थ्य ही जीवन है, ये रामकिशोर द्विवेदी द्वारा रचित एक पाठ है जो एक ज्ञानवर्धक लेख है, जिसके अंतर्गत हमें ये बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य व्यक्ति के जीवन में कितना महत्व रखता है। हमने इस चैप्टर में स्वास्थ्य शब्द से अभिप्राय क्या है वो पढ़ा, उसके बाद में स्वच्छता अभियान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली, शारीरिक और वैचारिक शुद्धता क्या होती है इसके बारे में पढ़ा समझा, स्वस्थ रहने के फायदे क्या होते हैं, और स्वस्थ रहने के लिए जो ध्यान रखने वाले बिंदु हैं, नियमित दिनचर्या, घर की साफ सफाई, शुद्ध भोजन और पानी, उचित व्यायाम एवं योगाभ्यास और प्रसन्न रहना, इन सब टॉपिक्स के बारे में हमने चर्चा की। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस टॉपिक में आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर मैं फिर भी बच्चों आपको बार बार यही कहूंगी कि आप अपनी बुक्स की भी मदद लीजिए। जितना आप पढ़ेंगे, जितनी ज्ञान की बातें आप अपने दिमाग में लाएंगे, जितना ज्ञान आप अपने भीतर भर सकते हैं उतना ज्ञान आप भरो, क्योंकि ये समय आपका है, ये समय आप लोगों के लिए ही है, इस समय को यूटिलाइज करो। इसी अच्छी बात के साथ आज की क्लास को मैं विराम देती हूँ और अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।